कौम समूद की वो ऊँटनी जिसकी वजह से पूरी कौम हलाक हो गई। जी हाँ दोस्तों, कौम समूद में पहाड़ का सीना चीरकर एक ऐसी ऊँटनी पैदा हुई थी जिसकी लंबाई 100 गज की और ऊंचाई 150 गज की थी। उस ऊँटनी से उसी की नस्ल का एक बच्चा भी पैदा हुआ, लेकिन इस सरकश कौम के लोगों ने मिलकर उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। उन लोगों ने उसके बच्चे को भी कत्ल करना चाहा, लेकिन वो अपनी जान बचाकर भागा। लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से एक बड़े से पत्थर में दाखिल होकर उनकी आंखों से ओझल हो गया और वो लोग उसको पकड़ ना सके। लेकिन इस वाकये से अल्लाह ताला बहुत नाराज हुआ और उसने कौम समूद पर अपना आजाब नाजिल कर दिया और उस पूरी की पूरी कौम को हलाक कर दिया। आखिर क्या कहानी थी उस ऊँटनी की? वो ऊँटनी और उसका बच्चा पहाड़ का सीना चीर कर कैसे पैदा हुए और आखिर वो ऊँटनी का बच्चा इस तरह पत्थर में कैसे गायब हो गया? उन लोगों ने ऊँटनी को कत्ल क्यों किया? आखिर क्यों हलाक कर दिया अल्लाह ताला ने उस कौम को? आज हम इस वीडियो में कौम समूद की हलाकत का मुकम्मल वाकया पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो आखिर तक जरूर देखें। कौम समूद एक ऐसी कौम थी जो बड़ी दौलतमंद और जायदाद वाली थी। इस कौम के लोगों के पास पैसे की कसरत और ऊंट और बकरियां भी बहुत ज्यादा थी। जब आद कौम को अल्लाह ताला के हुक्म से खत्म कर दिया गया तो उसके बाद उसी कौम की नस्ल से अल्लाह ताला ने एक नई कौम को पैदा किया, यानी कौम आद की हलाकत के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग महफूज रहे उन्हीं की नस्लों को कौम समूद कहते हैं। इस कौम के लोग भी कौम आद की तरह ही पत्थरों को काट काट कर मकान बनाने में माहिर थे। इस कौम ने नई नई इमारतें बनाई और ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने लगे। इसी वजह से लोगों के पास मालो दौलत की भी ज्यादती हो गई और यही ज्यादती उनकी गुमराही की वजह बनी। उनमें घमंड पैदा हो गया और वो लोग राह से बेराह हो गए। एक अल्लाह की इबादत के बजाय बुतों की इबादत करने लगे और जुल्म व बिगाड़ के कामों को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। अल्लाह ताला ने इस कौम को सुधारने, समझाने और उन लोगों की बेहतरी के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद में माबूस फरमाया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते, सीधा सच्चा रास्ता बताते, लेकिन उनके दिलों पर जैसे मुहर लगी थी, वे सुनी अनसुनी कर देते और उन्हें बुरा भला कहते। नबुवत मिलने से पहले आप अलैहिस्सलाम बहुत इल्म वाले थे और बहुत ऊंचे घराने से ताल्लुक रखते थे। लोग आपसे मशवरे लिया करते थे। जब सालेह अलैहिस्सलाम ने लोगों को एक अल्लाह पर ईमान लाने और एक अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करने के लिए दावत दी तो लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया और उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। सिर्फ कुछ गरीब और कमजोर लोग ही आप पर ईमान ला सके, बाकी कोई भी आप पर ईमान ना लाया। आखिर उस पत्थर दिल कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी। उस कौम के लोगों ने कहा, अगर आप कोई मौजजा दिखाओ तो हम मान लेंगे कि आप अल्लाह के नबी हो और आपका पैगाम सच्चा है। आगे कौम के लोगों ने कहा, मौजजा हमारे मुताबिक दिखाना होगा, यानी कि अगर आप इस पहाड़ में से एक लंबी चौड़ी 10 माह की हामला ऊँटनी पैदा करो और उसके बाद उस ऊँटनी से एक उसी की नस्ल का बच्चा पैदा हो जो तंदुरुस्त और लंबा हो, तब हम इस मौजज़े को देखकर आप पर ईमान जरूर लाएंगे और हर मामले में हम अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी करेंगे। फिर सब लोग एक मैदान में इकट्ठा हो गए। तब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ को हुक्म दिया तो अचानक जमीन पर एक जलजला तारी हुआ। उनकी आंखों के सामने ही चट्टान फटी और उसमें से वैसी ही एक ऊँटनी पैदा हुई जैसा उनका मुतालबा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी ऊँटनी पहले कभी नहीं देखी थी। उसमें वो तमाम सिफात मौजूद थी जिनका जिक्र उन लोगों ने किया था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा देखते ही समूद कौम के लोग हैरान रह गए। फिर उस ऊँटनी से एक बच्चा भी उसी कद और डील डोल का पैदा हुआ। यह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मौजज़ा था जो अल्लाह की कुदरत से जाहिर हुआ था।
इब्ने उमर इस मोजज़े को देखकर मुसलमान हो गए। दूसरे सरदारों का दिल भी ईमान की तरफ मुतवज्जो हुआ, लेकिन जो पुराने और सरकश लोग थे उन्होंने कहा, ये साले तो बड़ा जादूगर है, यह नबुवत का मोजज़ा नहीं बल्कि जादू का असर है। इस तरह जिनके दिलों में ईमान की किरण फूटने वाली थी वो फिर इन बातों से गुमराही के अंधेरे में चले गए। इस तरह उन्होंने अपना अंजाम तबाही के रास्ते पर डाल दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अब भी कौम को समझाते, सीधा सच्चा रास्ता दिखाते, मगर उस कौम पर शैतान इस तरह हावी हो चुका था कि वो लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा कहते और दिन रात खुदा की नाफरमानी करते। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से ऊँटनी के बारे में कहा, देखो इस ऊँटनी की जिंदगी से तुम्हारी जिंदगी है और इसकी परेशानी से तुम्हारी परेशानी है। दोस्तों आपको बता दूं कि उस ऊँटनी की खुराक बहुत ज्यादा थी। वो जब पानी पीती तो एक बार में जितना पानी उसके सामने लाया जाता वो सब पी जाती थी। अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस कौम के लोगों को हुक्म दिया कि एक दिन का पानी तुम लोग पियो और एक दिन का पानी वो ऊँटनी पिएगी, और जिस दिन ऊँटनी पानी पिया करेगी उस दिन तुम लोग उस ऊँटनी का दूध पीना। कुरान मजीद में इसी की तरफ इशारा है। इस बात पर सब खुश हुए मगर कई आदमियों को दुख भी हुआ। जब ऊँटनी अपनी बारी पर पानी पीने के लिए कुएं पर जाती तो पूरा पानी एक ही बार में पी जाती। यह अलग बात है कि वह जितना पानी पीती थी उसी के मुताबिक उतना दूध भी देती थी कि पूरे कौम के बर्तन दूध से भर जाते थे। ऊँटनी की शक्ल बहुत लंबी थी, भारी भरकम जिस्म, सूरत शक्ल, सब कुछ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मोजज़े की जबरदस्त दलील थी। इमाम नसई ने लिखा है कि उसके जिस्म की लंबाई 100 गज थी, उसके पांव की ऊंचाई 150 गज थी। जब वो ऊँटनी जंगल में चरने के लिए जाती तो जंगल के दूसरे जानवर उस ऊँटनी को देखकर डर जाया करते और उससे दूर भागते थे, और जब वो ऊँटनी गाँव में मौजूद होती थी तो गांव के सभी जानवर जंगल में भागकर पनाह लेते। नतीजा ये हुआ कि जिन गांव के लोगों के पास ज्यादा जानवर थे वो लोग जानवरों की इस भागम भाग से बड़े परेशान हो गए, यहाँ तक कि वो लोग ऊँटनी को मार डालने की बात सोचने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि अपनी कौम से कहो कि इस ऊँटनी को कत्ल करने की बात न सोचे और खुदा के हुक्म के खिलाफ उसको न सताए, वरना उसकी मौत तुम सब की मौत की वजह बनेगी, तुम खुदा के अजाब के शिकार हो जाओगे। फिर मोहलत खत्म हो जाने के बाद तुम पर न उसकी कोई मेहरबानी होगी न उसे तुम लोगों पर तरस आएगा। उस कौम में एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया के पास माल भी बहुत था और वो बकरियां और ऊंट भी बहुत रखती थी। इसी तरह एक बेदीन औरत और थी जो बहुत मालदार थी, लेकिन उस औरत के शौहर ईमान वाले और खुदा का खौफ रखने वाले थे। इन दोनों औरतों ने मिलकर वहाँ के सरदारों को ऊँटनी को मार डालने पर तैयार किया और कीदार बिन सालिफ और मसूद बिन महदज को बुलाया। उस बुढ़िया ने कीदार से अपनी बेटी का निकाह कर देने का वादा किया और अमली तौर पर उसे कुछ नकद और गल्ला देकर यह तय करा लिया कि ऊँटनी को कत्ल करना है। वे दोनों मलून 7 आदमियों को साथ लेकर रास्ते में बैठे और ऊँटनी का इंतजार करने लगे। जिस वक्त वो ऊँटनी निकली, पहले मसूद ने उसको तीर मारकर घायल कर दिया, फिर कीदार ने उसके पांवों को जख्मी किया, यहाँ तक कि इन 7ों ने अल्लाह की निशानी उस ऊँटनी को जान से मार डाला। इस तरह उन जालिमों ने अपनी बर्बादी का रास्ता खुद पैदा कर लिया। ऊँटनी का बच्चा पहाड़ की तरफ भागा और मारे डर के उस पहाड़ की चोटी के पास छुप गया। लोग उसको ढूंढते रहे लेकिन वो मिल ना सका। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जब इस जुल्म की खबर मिली तो उनकी बेचैनी बढ़ गई। वह परेशान इसलिए हुए कि अब अल्लाह का अजाब इस कौम पर नाजिल होकर रहेगा। उन्होंने कौम को फरमाया कि अगर उसके बच्चे को किसी तरह पकड़कर अपने दरमियान लाओगे तो शायद अल्लाह के गजब से अपने आप को बचा ले जाओगे। कौम के लोग भी डर गए थे, इसलिए वो लोग उस ऊँटनी के बच्चे को ढूंढने में बड़ी मेहनत कर रहे थे, पर वह बच्चा गायब हुआ तो गायब ही हो गया, और इस तरह ये पूरी कौम अल्लाह ताला के अजाब के घेरे में आ गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 दिन के बाद अब अजाब आ जाएगा और तुम सब लोग खत्म हो जाओगे। अजाब की निशानी ये होगी कि पहले दिन तुम्हारे मुंह पीले,
दूसरे दिन लाल और तीसरे दिन काले होंगे, फिर चौथे दिन अल्लाह के अजाब के शिकार बनकर तबाह हो जाओगे। दुश्मनों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मारने का इरादा कर लिया और छिपकर घात लगाकर बैठ गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मारने का इरादा करने में पूरी कौम शामिल थी और वो सब अपनी चाल चल रहे थे, लेकिन अल्लाह जो सबसे बेहतर चाल चलने वाला है, वो अपनी चाल चल रहा था और अल्लाह की चाल के आगे चली ही किसकी है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के घर वालों को जब मालूम हुआ कि कौम के लोग ऐसा कर रहे हैं तो उन्होंने जाकर पूछा कि अगर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के वादे के मुताबिक तुम तीन दिन में फना हो जाओगे तो अल्लाह की बारगाह में इस बेअदबी से तो तुम्हें और तकलीफ पहुँचेगी, और अगर हजरत सालेह की बात गलत होगी तो फिर तुम जो चाहो करना, हम सब उस वक्त समझ लेंगे। कौम वालों की समझ में यह बात आ गई, वे अपने अपने घरों को वापस चले गए। दूसरे दिन फिर कौम के लोग जमा हुए, हर एक के चेहरे पर मौत की हवाइयां उड़ रही थीं। सब जमा होकर बोले, आखिर हम तो मरेंगे ही, लेकिन हजरत सालेह को भी मार कर अपने आगे दफन करेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब यह खबर सुनी तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो अकील बिन नौफल के घर चले गए। कौम वाले परेशान ढूंढते फिरे और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनके हाथ न लगे। दूसरे दिन सुबह में सबके मुंह खून की तरह लाल हो गए। रंगत की यह तब्दीली देखकर उनकी बेचैनी बढ़ गई, रोने पीटने लगे। फिर शनिचर के दिन उनके चेहरे बिल्कुल काले हो गए। क्या औरत क्या मर्द, सभी अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर बेहद परेशान थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उसी दिन अल्लाह के हुक्म से ईमान वालों को साथ लेकर फलस्तीन चले गए और वो बेईमान और बदबख्त अपनी बस्ती ही में पड़े रहे। इतवार की सुबह को समूद कौम के शैतानों ने हुनून कफन तैयार रखकर जिंदगी से चाहत उठा ली और पहर दिन चढ़े एक खौफनाक आवाज से उनके दिल टुकड़े टुकड़े और कलेजा हिस्सा हिस्सा हो गया। अल्लाह के गजब से न ताकतवर बचा, न कमजोर, न मर्द बचा, न औरत। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सब कुछ ठंडा हो जाने के बाद फिर वापस उस जगह आए। कौम की यह हालत देखकर रोए भी बहुत और लोगों को उस कौम से सबक लेने की नसीहत दी। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम एक मुद्दत के बाद वहां से मक्का की तरफ चले गए और वहीं आपने पर्दा फरमाया और इस दुनिया को छोड़कर मालिके हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजून, सिर्फ वो अल्लाह ताला ही की जात है जो फना से पाक है, बाकी सब फना होने वाले हैं।